नमस्कार, भारत में तेजी से बढ़ते चैनल अखंड हिंदी न्यूज 24 में मैं सीके सिंह आपका स्वागत करता हूं। तो आइए रुक करते हैं दिन भर की तेज तर्रार एवं बेहतरीन खबरों की। भाजपा सरकार बोली अपना वादा, श्री राम अब नहीं रहेंगे तंबू में। अयोध्या में राम मंदिर के जल्द से जल्द निर्माण को लेकर हिंदूवादी संगठनों के अलावा स्वयंसेवी संगठन भी अब आगे आने लगे। इसी क्रम में आज मां वैष्णो सेवा समिति के नेतृत्व में एक दर्जन अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं ने मिलकर एक बैठक का आयोजन किया। बैठक को संबोधित करते हुए बताया गया कि अयोध्या में प्रस्तावित श्री राम मंदिर प्रतिरूप को भी संस्थाओं द्वारा मिलकर तैयार किया गया है, जिसकी शोभा यात्रा आगामी 23 नवंबर को सुबह 10 बजे निकाली जाएगी, जो मुस्कान गेस्ट हाउस सीतापुर से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए राजा कॉलेज मैदान सीतापुर में समाप्त होगी, जहां शाम 6 बजे सार्वजनिक महाआरती की जाएगी, जिसके बाद 24 नवंबर को 10 बजे सीतापुर से शोभा यात्रा अयोध्या के लिए प्रस्थान करेगी। बैठक को संबोधित करते हुए धीरेन्द्र शुक्ला मोनू ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा आवास देने का काम किया जा रहा है, लेकिन हमें तब आवास नहीं चाहिए जब तक श्रीराम को आवास नहीं मिलेगा। उन्होंने बताया कि ये प्रतिरूप हम अयोध्या पहुंचकर नृत्य गोपाल दास जी को सौंपेंगे, साथ ही अयोध्या जाने के लिए यदि प्रशासन की मंजूरी नहीं मिलती है तब भी जाएंगे। उन्होंने बताया कि सिटी मजिस्ट्रेट से मिलकर उन्होंने इस प्रतिरूप को दिखाया था, जिसे ऑनलाइन कराने को कहा गया था, संस्था द्वारा उसे ऑनलाइन करा दिया गया है। सीतापुर से सिमरेश पांडे की रिपोर्ट। उद्देश्य जो समस्त हिंदू भाइयों का उद्देश्य है, हमारे भगवान श्री राम का मंदिर बने, उनका आवास बने। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी केंद्र सरकार के द्वारा सभी को आवास आवंटित किया जा रहा है, किसी को 2.5 लाख रुपए दिया जा रहा है, किसी को 5 लाख रुपए दिया जा रहा है, परंतु जिसके आराध्य जिसके इष्ट ही तंबू में बैठे हों, पहले आवश्यकता है उनको आवास देने की। हमारे भगवान का आवास पहले हो, उसके बाद भक्तों का आवास। नहीं चाहिए ऐसे आवास जहाँ पे पूरे सृष्टि के रचयिता का आवास नहीं है, वो तंबू में बैठा है, हम आवास हमको मिल रहा है। नहीं चाहिए ऐसा आवास, हमें चाहिए हमारे राम का मंदिर जो उनका आवास। वो बैठे हैं, उन्हें आपसे पहले भी बताया, वो बैठे हैं तंबू में। क्या रणनीति है, क्या खाता हमारे कार्यक्रम है। हम 23 तारीख को यहाँ से नगर भ्रमण कराएंगे। राम मंदिर का प्रतिरूप यहाँ तैयार हुआ है, ये वही प्रतिरूप है जैसा वहाँ पे रखा है, जो प्रस्तावित किया गया वही मॉडल यहाँ बन रहा है। इसको हम 24 तारीख को अयोध्या ले जाएंगे, नृत्य गोपाल दास जी को समर्पित करेंगे, ये वहाँ रखा जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इसी राम मंदिर प्रतिरूप को देख के हमारे भारत देश की जनभावना को समझते हुए सरकार राम मंदिर बनवाए, और यही हमारा निवेदन है, यही मेरा उद्देश्य है, हमारा हम सभी लोगों का यही उद्देश्य है। क्या सीतापुर प्रशासन से आपने कार्यक्रम की अनुमति? जी, मैं कल सिटी मजिस्ट्रेट के पास गया था, उन्होंने कहा था कि इसमें कोई हाथ नहीं लगाएगा, इसको जो है आप ऑनलाइन कराइए, तो हमने ऑनलाइन आवेदन कर दिया। कितनी तारीख को पूछ करेंगे यहाँ से? हम यहाँ से 24 तारीख की प्रातःकाल सुबह 10 बजे अयोध्या के लिए। अगर प्रशासन की अनुमति नहीं मिलती उस पर क्या? प्रशासन की अनुमति मैंने अनुमति मांगी, उन्होंने नहीं दी, तो हम अपना मंदिर तो हम निकालेंगे, उनको रोकना हम स्वेच्छा से हम अपनी गिरफ्तारी देंगे, उनको हमको गिरफ्तार करना, आप अब गिरफ्तार करें, हम ना कोई उग्र आंदोलन करने जा रहे हैं, हम शांतिपूर्वक यहाँ से अपना मॉडल ले जाएंगे, उनको हमें देनी चाहिए। अब नहीं देते हैं तो हम मंदिर लेके जाएंगे, अब उनको जो करना वो करें, हमको जो करना हम करेंगे। हमने आपसे एक निवेदन किया, हमारी कोई भावना उग्र नहीं है, शांतिपूर्वक हम यहाँ से मॉडल को अपने ले जाएंगे, अब आगे भगवान राम की। दिनभर की ताज़ा और आसपास के लेटेस्ट खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए अखंड।